टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जीता पहला गोल्ड। प्रिया मलिक को बधाई देने में लोगों ने की बड़ी गलती। भारत की महिला रेसलर प्रिया मलिक ट्विटर पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। वह ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हैं और लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। हालांकि बधाई देने में लोगों ने बड़ी गलती कर दी है। जी हाँ, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अच्छी शुरुआत की है। उसके खाते में पहले ही दिन मेडल आ गया। वेट लिफ्टिंग मीराबाई चानू ने शनिवार को 49 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। जीत के बाद चानू सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। उसके साथ भारत की महिला रेसलर प्रिया मलिक की भी चर्चा होने लगी और वह सोशल मीडिया के ट्रेंड टॉपिक बन गई। लोग प्रिया मलिक को बधाई देने लगे। यूजर प्रिया मलिक को बधाई देते हुए एक बड़ी गलती कर बैठे। लोगों ने प्रिया मलिक की एक तस्वीर साझा की है और उन्हें टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने की बधाई दे रहे हैं। बता दें कि प्रिया मलिक ने टोक्यो ओलंपिक में नहीं बल्कि हंगरी के बुडापेस्ट में हुए विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। प्रिया मलिक ने यह कारनामा 73 किलो भार वर्ग में किया। ट्विटर पर रविवार सुबह से हैशटैग प्रिया मलिक ट्रेंड कर रहा है। अधिकांश लोग बिना पूरी जानकारी के प्रिया मलिक को बधाई दे रहे हैं। वहीं कुछ ने इस गलती को पकड़ लिया। जो फोटो ट्रेंड हो रही है वो टोक्यो ओलंपिक की नहीं है। फिल्म इंडिया से शिवानी सिंह की रिपोर्ट।